हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। आज हम एनसीईआरटी साइंस क्लासिक्स के सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड के सेकेंड टॉपिक व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए कैसा कौन सा वर्क करते हैं, क्या करते हैं, उसे आज हम जानेंगे। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, अलग अलग फूड आइटम्स क्या कंटेन करते हैं। तो हम आज पढ़ेंगे व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के में कौन सा काम करते हैं। तो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों एनर्जी गिविंग है और दोनों एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन हमारे बॉडी बिल्डिंग फूड है, तो हमारे बॉडी मसल को बनाने के लिए प्रोटीन हेल्पफुल होता है। मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी में बहुत छोटी क्वांटिटी में होती है। और विटामिन्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शन, विटामिन्स हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है। और उसके अलावा हमारा फूड कंटेन करता है डाइट्री फाइबर, न्यूट्रिएंट्स के अलावा कंटेन करता है डाइट्री फाइबर्स और वाटर। डाइट्री फाइबर्स का यूज होता है गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड को हमारे बॉडी से बाहर निकालने में डाइट्री फाइबर हेल्प करता है। और डाइट्री फाइबर्स वेजिटेरियन डाइट्स जैसे कि पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब में प्रजेंट होते हैं। मतलब डाइट्री फाइबर हमें प्लांट से ही मिलता है। और उसके बाद वाटर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फूड से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, हमारे बॉडी के लिए एब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे बॉडी को मेनली एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, फैट्स भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। इनफैक्ट फैट गिव मच मोर एनर्जी कंपेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के सेम अमाउंट के कंपेरिजन में फैट्स उससे कई गुना अधिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है। फूड कंटेनिंग प्रोटीन्स ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। जिस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसे बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि वो मसल को बनाने में हेल्प करता है। विटामिन्स हेल्प अस इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स हमारे बॉडी को डिजीज से बचाने में हेल्प करता है। विटामिन्स आल्सो हेल्प्स इन कीपिंग आवर आईज, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। हमारे टीथ, बोन और आईज को हेल्दी रखने में विटामिन्स हेल्प करता है। विटामिन्स आर डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स अलग अलग काइंड्स के होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, इसलिए उस विटामिन्स को अलग अलग नेम से जाना जाता है। सम ऑफ दीज आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। इनमें से कुछ विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन और विटामिन के है। देर आर ऑल्सो ग्रुप्ड ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। साथ ही साथ विटामिन बी का ग्रुप है जिसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। आवर बॉडी नीड ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन स्मॉल क्वांटिटी। हमारे बॉडी को हर तरह के विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है, पर स्मॉल क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में। विटामिन ए कीप्स आवर बॉडी स्किन एंड आई हेल्दी। हमारे बॉडी स्किन और आई को हेल्दी रखने में विटामिन ए हेल्प करता है। विटामिन सी हेल्प इन बॉडी फाइट अगेंस्ट मेनी डिजीज। अलग अलग प्रकार की बीमारियों से लड़ने में विटामिन सी हेल्प करता है। विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन एंड टीथ। विटामिन डी हमारे बॉडी को विटामिन डी और हमारे बॉडी को कैल्शियम का यूज बोन्स और टीथ के लिए करने के लिए में हेल्प करता है। फूड दैट रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर सोन इन फिगर 2.6। फूड जो अलग अलग जिसमें अलग अलग विटामिन्स प्रेजेंट होता है वो फिगर 2.6 में दिया गया है।
जैसे कि पपाया, कैरोट, मैंगो, ये सब विटामिन, जिस इसमें विटामिन ए प्रेजेंट होते हैं। विटामिन बी का सोर्स क्या है? वो वीट है, लीवर है, राइस है, ये सारे विटामिन बी का सोर्स है। आंवला है, जो फूड हमारा खट्टा है, या फिर चिली हो गया, ग्रीन चिली, टमाटो, ऑरेंज, ये सारे विटामिन सी के प्रोडक्ट है। इन सब सब में विटामिन सी प्रेजेंट है। साथ ही साथ विटामिन डी का सोर्स है एग, फिश, लीवर और मिल्क, बटर, ये सारे विटामिन डी के प्रोडक्ट है। इन सब में विटामिन डी प्रेजेंट है। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल क्वांट अमाउंट। मिनरल्स की रिक्वायरमेंट हमारे बॉडी को होती है, पर बहुत छोटे अमाउंट है, बहुत कम होते हैं। ईच वन इज इसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड मेंटेनिंग गुड हेल्थ। परंतु सारे प्रकार के मिनरल्स और विटामिन हमारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और हमारे हेल्थ को सही रखने के लिए जरूरी होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। सम सोर्स ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर सोन इन फिगर 2.10। फिगर 2.10 में मिनरल्स के अलग अलग सोर्स को दिखाया गया है। सम सोर्स ऑफ, तो यहाँ पे चेक अलग अलग मिनरल्स, जैसे कि आयोडीन का सोर्स देख लेते हैं। सोर्स ऑफ आयोडीन में हो गया जिंजर हो गया, या फिर फिश हो गया, ये सब आयोडीन का सोर्स है। पालक भी आयोडीन का सोर्स है। और साथ ही साथ फास्फोरस का सोर्स देख लेते, बनाना, चिली, वीट, राइस, मिल्क, ये सब फास्फोरस का सोर्स है। और उसके बाद आयरन का सोर्स है फ्रूट्स, फ्रूट्स जैसे कि एप्पल है, लीवर है, पालक है, ये सारे आयरन का सोर्स है। उसके बाद कैल्शियम का सोर्स है मिल्क और एग, ये सब कैल्शियम का सोर्स है। इन टेबल 2.2 मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। अधिकतर फूड आइटम्स में एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। यू मे हैव नोटिस्ड दिस विल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन इन 2.2 टेबल 2.2। वन पार्टिकल न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट इन मच लार्जर उसमें क्वांटिटी देन अदर्स। किसी खास फूड में एक एक न्यूट्रिएंट्स एक क्वांटिटी की ज़्यादा होती है दूसरे कंपेरिजन में। जैसे कि राइस मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। दस वी से दैट राइस इज ए कार्बोहाइड्रेट रिच सोर्स ऑफ फूड। इसलिए हम कह सकते हैं कि राइस जो है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, मतलब इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइट्री फाइबर एंड वाटर। इस न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारे बॉडी को डाइट्री फाइबर्स और वाटर की रिक्वायरमेंट है। डाइट्री फाइबर आर ऑल्सो नोन एज रुगी। डाइट्री फाइबर्स को रुगी भी बोला जाता है। रुगी इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स, और रुगी को मेनली प्लांट प्रोडक्ट्स ही प्रोवाइड करता है, जैसे कि होल ग्रेन्स में प्रेजेंट होंगे, पल्सेस में प्रेजेंट होंगे, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल्स से प्रेजेंट होंगे। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल, ये सारे रुगी के सोर्स है। रुगी डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स। रुगी कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, बट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड एड्स इट्स वर्क। परंतु हमारे बॉडी के फूड का इसेंशियल कंपोनेंट है। हेल्प्स आवर बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, क्योंकि ये हमारे बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। हमारे बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है कौन? रुगी। मतलब हमारे बॉडी के अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकालने में हेल्प करता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। वाटर हमारे बॉडी को फूड से न्यूट्रिएंट्स को लेने में हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी अस यूरिन एंड स्वेट। वाटर साथ ही साथ हमारे बॉडी को यूरिन और स्वेट के फॉर्म में वेस्ट को बाहर निकालने में भी, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में भी हेल्पफुल है। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम लिक्विड वी ड्रिंक। नॉर्मली हमें जो वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम डायरेक्टली वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में लेते हैं। सच वाटर मिल्क
जैसे कि हमारे नॉर्मल ऑर्डर वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया, इस सब के फॉर्म में हम ऑर्डर को लेते हैं। इन एडिशन वी ऐड वाटर टू मोस्ट कुक फूड। हम कुक्ड फूड से भी वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, जैसे हम खाना बनाते हैं उसमें भी वाटर का यूज करते हैं। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्स विच प्रोवाइड वाटर टू आवर बॉडी। तो हम कोई दूसरा सोर्स देखते हैं जो हमारे बॉडी को बॉडी में वाटर प्रोवाइड करता है। तो एक्टिविटी थ्री हम देखते हैं, टेक ए टोमेटो और फ्रूट लाइक लेमन। हम एक टमाटर लेते हैं या फिर एक नींबू लेते हैं, कट इट इन टू स्मॉल पीसेस और उससे छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं। डू यू हैंड्स गेट वेट विल डूइंग सो। क्या छोटे टमाटर या फिर लेमन नींबू को छोटे छोटे टुकड़ों में काटते समय आपके हाथ में आपका हाथ भीगा या फिर आपके हाथ में वाटर का प्रेजेंस पता चला। केयरफुली ऑब्जर्व व्हेन योर वेजिटेबल फ्रूट्स आर बीइंग कट पील्ड ग्रेटेड एंड मस्ट एट योर होम यू फाइंड एनी फ्रेश वेजिटेबल और फ्रूट दैट यू नॉट कंटेन सम अमाउंट ऑफ वाटर। जब भी फ्रूट्स या वेजिटेबल काटे जाते हैं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी फ्रूट या वेजिटेबल नहीं है जो थोड़े अमाउंट ऑफ वाटर का थोड़ा अमाउंट जिसमें प्रजेंट ना हो। वी सी दैट मेनी फूड मटेरियल्स देमसेल्फ कंटेन वाटर। हम देखते हैं कि बहुत सारे फूड मटेरियल्स वाटर कंटेन करते हैं। टू सम एक्सटेंट आवर बॉडी नीड्स आर मेट बाय दिस वाटर। कभी कभी हमारे बॉडी में वाटर की रिक्वायरमेंट इसके इस वाटर की रिक्वायरमेंट से भी पूरी हो जाती है। आफ्टर फ्रॉम दिस वी ऑल्सो एड वाटर विल कुकिंग मेनी फूड आइटम्स। इसके अलावा जब हम फूड आइटम को कुक करते हैं, फूड आइटम्स को बनाते हैं, तब पर भी हम वो उसमें वाटर को ऐड करते हैं, जैसे कि वेजिटेबल या फिर फिश करी बनाने में हम लोग वाटर का यूज करते हैं, चावल बनाने में भी हम वाटर का यूज करते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी साइंस क्लास सिक्स के सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड के सेकेंड टॉपिक व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, क्या अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए क्या 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 काम करते हैं उससे पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो लिखते हैं हम लोग बैलेंस्ड डाइट और डिफिशियंसी डिजीज को पढ़ेंगे। तो हमारे अगले वीडियोज को देखने के लिए एनसीईआरटी जोन से जुड़े रहें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले, और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।